ये जो आपका क्लेम है ये कहाँ दर्ज है? कोई भी गलत फैसला नहीं हुआ? क्यों करता है मीडिया ऐसा? पल्ली नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ है या पहले भी था? पहले तो आप लोगों को खुली छूट थी। आप क्या बोर्ड लगा लेंगे मैं जाहिल हूँ? मैं मोदी जी पे बिल्कुल ऑफ कोर्स आई डेफिनेटली सपोर्ट हिम एज लीडर। ये क्यों मान लिया कि किसान का विचार नहीं हो सकता? नहीं, मेरा एजेंडा है। अच्छा, मेरा एजेंडा। यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू। व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमण? आई एम फ्रॉम जेएनयू। आजा संडास दिखा दो। तो अगर आपके देश के इंडिपेंडेंट इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर का इतनी इतनी शर्मजनक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद चाइना के हाथ, और चाइना की डिफीट डिफीट नहीं थी। देखिए, वॉर में हारना कोई शर्म की बात नहीं है। एक किसी के पास 1 लाख सैनिक है, आप छोटे राज्य हैं, आपके 10,000 सैनिक आप हार सकते हैं। उस वक्त में एक अधने से जमीन से जुड़े, जिसको सब लोगों ने बोला द मोस्ट इनडिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर, सब ने उनको पपेट, और कामराज ने भी इसीलिए उनको बनाया था सोच के कि ही विल रिमेन अ पपेट। उस आदमी ने इस देश के भाग्य को बदलने की कोशिश। कामराज ने बनाया था या नेहरू ने चुना था? शास्त्री जी को नेहरू ने कभी नहीं चुना था। ये जिसने जो बोलता है ये झूठ। जनवरी 1964 में नेहरू को हार्ट अटैक पड़ता है, जनवरी और 27 मई को उनका देहांत होता है। तमाम अकाउंट्स में नेहरू के समर्थकों और नेहरू के विरोधियों के अकाउंट्स में ये लिखा है कि सरकार लाल बहादुर शास्त्री ही चला रहे थे, क्योंकि नेहरू इस स्थिति में नहीं थे। नेहरू ने शास्त्री को मेंटल पास किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि नेहरू ने नहीं चुना शास्त्री को। सबसे बड़ा तो उनके ऊपर दोष यही लगा था शास्त्री जी के ऊपर कि नेहरू की पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। के? अब तो सच बोल दे के? और जब शास्त्री जी बने थे इस कंडीशन पे बने थे, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, इस कंडीशन पे बने थे कि हर पॉलिसी हर डिसीजन की उनको कांग्रेस वर्किंग कमिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, जब तक वो लोग ओके नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। दूसरी बात आपको और बताऊं, ये जो आपका क्लेम है ये कहाँ दर्ज है? मैं आपको भी मेरी बुक क्योंकि बाई थेरी तो ये हमेशा ही होता था संगठन और सत्ता के बीच का टकराव कि नेहरू जो पॉलिसी ले रहे हैं उसको कांग्रेस ओके कर रही है। देखिए, हमारे देश में डॉक्यूमेंटेशन का एक समस्या है, राइट? हमारे डॉक्यूमेंटेशन खत्म कर दिए जाते हैं या होते नहीं हैं, जो भी रीज़न रहा मुझे पता नहीं है उसके पीछे। मैं एक कोशिश ये की है, कामराज पे जो लोग अथॉरिटी हैं, ये फिल्म का विषय नहीं है कामराज हमारी, लेकिन मेरी बुक में इस पे बहुत मैंने नहीं अच्छी बात है, ही वाज अ वंडरफुल पॉलिटिशियन, अरे ग्रेट अमेजिंग। और यही कामराज का प्रॉब्लम बन गया। एक कामराज प्लान के सब किया तो, लेकिन कामराज जो चाहते थे वो अचीव नहीं कर पाए, एंड इट वाज दैट्स क्या चाहते थे कामराज? सी ही वांटेड टू बी अ किंग मेकर। आप देखिएगा हमारी फिल्म में नसीब, ही वाज अ किंग मेकर वाजंट ही? या बट तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन मारते हैं, सीधे केंद्र में। अपर किंग मेकर का जो पे ऑफ होना चाहिए लॉन्ग टर्म में वो नहीं मिल पाया, ही डाइड एज अ वेरी अनहैप्पी मैन। आपकी पब्लिक स्फीयर में एक इमेज है पल्लवी जोशी कि आप नरेंद्र मोदी की सरकार को सपोर्ट करती हैं। मैं नरेंद्र मोदी को एक लीडर के तौर पे मैं उन्हें पसंद करती हूँ और मैं बहुत प्रभावित हूँ उनके लीडरशिप से। कोई आगे संभावना आपकी बीजेपी ज्वाइन करने? बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी से पल्लवी प्रभावित हैं, आपको लगता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो वो और अच्छी कर सकते थे नहीं कर पाए? If you have to criticize Narendra Modi's tenure as Prime Minister for last 5 years, I will not criticize. ऐसा तो नहीं है, he's a human being. What do you think? Because you have, आप सोचती हैं और आप अपने ख्यालों का इजहार करती हैं। मैं सही बताऊं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, तो मैं सोच के बताऊंगी आपको जरूर। I seriously haven't thought about it, क्योंकि अब्बा नहीं मानेंगे। अभी तक का हमने जो पूरा इतिहास देखा है उसमें ये एक इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इमर्ज हुई है कि हमने सिर्फ अच्छाइयाँ ही देखी है, और मेरा एक स्वभाव है कि मैं सिर्फ अच्छाइयाँ देखती हूँ आदमी की, मैं बुराइयों पर ज़्यादा गौर करती नहीं। मस्त जोक मारा। इसलिए मैं अभी एक शो बना रही हूँ भारत की बात, वो सिर्फ अच्छाइयों के बारे में ही है, क्योंकि बुराई बताने के लिए तो तमाम मीडिया हाउसेस हमारे देश में है। हाँ, लोग करोड़ों रुपए खर्च करके बुराइयाँ दिखाने गलत करते हैं क्या वो लोग? हाँ, बुराइयां बता के गलत करते नहीं, मुझे एक आप बात बताइए कि आप बार 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 उसको आप बुरे हैं, आप ये हैं, आप डिवाइसिव हैं, आप लिंच करते हैं और आप ये करते हैं और आप वो करते हैं, और तमाम दुनिया भर की बुरी से बुरी खबरें आप सुनाएं, तो फिर हमने इतनी सारी अचीवमेंट्स की कैसे हैं? क्यों करता है मीडिया ऐसा पल्लवी? मुझे क्या पता, आप बताइए, आप मीडिया से हैं, हम तो देखते हैं। आपको क्या लगता है क्यों करता है मीडिया ऐसे? आप बताइए, मैं जानना चाहती हूं। नरेंद्र मोदी के ही खिलाफ है या पहले भी था? नरेंद्र मोदी के आने के बाद तो बहुत ज्यादा हो गया है। लाइन अच्छी है, लिख लो काम आए।
क्योंकि नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया, नरेंद्र मोदी के आने के बाद लोग बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर भी हो गए हैं। पहले तो आप लोगों को खुली छूट थी, अभी आपके सामने सोशल मीडिया भी आ गया है। अब हम लोगों को खुली छूट नहीं है। किस तरह की खुली छूट थी पहले आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, ये भी तो सोशल मीडिया ही है, ये तो आपका भी तो सोशल मीडिया पे ही है ना। जी जी जी, ये अर्बन नक्सल टर्म आपका कॉइन किया हुआ है? मैंने जरा सा ट्विस्ट किया उसको। अर्बन मोइस्ट वर्ड जो है सबसे पहले भारत के गृह मंत्रियों ने यूज किया था, अर्बन माओइस्ट। हाँ, मैंने उसको ट्विस्ट करके अर्बन नक्सल इसलिए किया, मोइस्ट सुन के ऐसा लगता है इनके पीछे कोई आइडियोलॉजी है। मैं खुद मार्क्सिस्ट हूँ, मैं खुद मोइस्ट एंड मार्क्सिस्ट आर टू डिफरेंट। नहीं नहीं, मैं मोइस्ट समझ लीजिए, नहीं नहीं मैं मोइस्ट समझ लीजिए, क्या बोला तूने? तो मैंने कहा जो इनका ओरिजिनल वर्ड है नक्सलिज्म, उसको ही वापस लाया जाए ना, तो इसलिए मैंने कहा ये अर्बन नक्सल। नक्सल सुन के एक हर वर्ड की एक इमेजरी होती है। गब्बर नक्सल कहाँ से आया? ये नक्सलवाड़ी से आया। लेकिन उस आइडियोलॉजी में और इस आइडियोलॉजी में तो काफी फर्क बताते हैं। कुछ फर्क नहीं, क्या फर्क है? अबे साले, नहीं नहीं बताते हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप विद्वान व्यक्ति हैं। एक आपने ट्वीट किया था, वेयर इज द प्लेकार्ड मी टू प्रोस्टिट्यूट नन, इसको ट्विटर ने शायद डिलीट कर दिया था, इज दैट ट्रू? ट्विटर ने नहीं डिलीट किया था, ट्वीट किया था मैंने, किया था जी हां मैंने। डिलीट क्यों करना पड़ा? डिलीट इसलिए करना पड़ा कि स्वरा भास्कर ने उसके अगेंस्ट बहुत सारी मेरी कंप्लेंट्स की ट्विटर को, एंड शी डिड इट, एंड देन ट्विटर सेट कि नहीं ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए। डू यू रिग्रेट राइटिंग दिस? नो, एब्सोल्युटली नॉट, आई रिग्रेट डिलीटिंग इट बिकॉज आई हैड नो ऑप्शन। करवाली बेइज्जती कौन है अर्बन नक्सल? आपको लगता है कुछ जनता? भाई साहब एवा बताइए, मैं अगर यहाँ बैठ के बोलता हूँ कि मैं दुनिया के सारे जाहिल लोगों के अगेंस्ट हूँ, आप क्या बोर्ड लगा लेंगे मैं जाहिल हूँ? मैं आपके बारे में तो बात नहीं कर रहा, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया आज तक। अच्छा, और जिन लोगों का मैं नाम लेता हूँ उनसे मैं बहस करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं कविता कृष्णन का नाम लेता हूँ, मैं उससे कितनी बार 50 बार ट्विटर में लिखा है, मैंने प्रशांत भूषण को 25 बार लिखा है कि भाई साहब आइए अपन बात करते हैं, मैं कहता हूँ आप हैं, मैं प्रूव करता हूँ आप कर दीजिए, नहीं है तो इन पर सरकारें कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं? सरकार क्योंकि जिस तरह से ये ऑपरेट करते हैं इसीलिए अपने को फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। कुछ भी, आपने 4 ट्वीट किए थे पाकिस्तान, कश्मीर और जंग को लेकर जो फैक्चुअली इनकरेक्ट थे। कौन से? पाकिस्तान हैड इन्वेटेड ओनली कश्मीर, चौधरी'स आइडिया वाज दैट वी इन्वेट पाकिस्तान। हाँ, एक सेकंड आप आगे पढ़े उसके पहले, तो मैंने लिखा है 4 बार लिखा है उसको कि मेरे से गलती हो गई थी, और मेरा स्टेटमेंट नहीं है वो। हाँ, वो ओशो का स्टेटमेंट है जी। मेरे को किसी ने भेजा कि सर देखिए ऐसा, तो मैंने डार्केस्ट टू लाइट, फिर भी लोग आपको ट्रोल करते रहे। सडनली आई रियलाइज कि मुझसे गलती हो गई। हाँ, तब मेरे से कैसे इग्नोर कर गया, मैं इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो? बात खत्म हो गई क्या? अरे तो क्या मैंने गुनाह कर दिया क्या? यहाँ तो लोग कत्ल करके घूमते हैं सीना चौड़ा करके। I'll have to rest. तो अब इनसे कौन बात करे, ऐसे लोग जिनके इनके पास, क्योंकि ये मेरे साथ, मेरे को मोदी जी के साथ जोड़ते हैं ये लोग। आप जुड़े हैं मोदी जी से? मैं मोदी जी पे बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई डेफिनेटली सपोर्ट हिम एज द लीडर, बिल्कुल करता हूं मैं उनको सपोर्ट। कविता कृष्णन भी पलट के भारत के हित की बात करने लगेगी। वो तो यही कहती है कि मैं भारत के गरीबों, वो सर जिन गरीबों की वो बात करती हैं, उन गरीब के वो किसानों की बात करती हैं, जिन किसानों के साथ वो आती हैं, वो सब लाल टोपी और लाल कपड़े पहनते हैं। आपने देखा अपने जीवन में कभी लाल टोपी पहने हुए किसी? जो किसान वामपंथी संगठनों से छोड़े हैं वो संगठन जी। हाँ, तो वो किसान कहाँ से हो गया? वो एक मासूम किसान थोड़ी है, फिर वो तो एजेंडा ड्रिवन किसान है। तो वो किसान हो सकता है भारतीय किसान संघ से भी जुड़ा हो जो? हाँ, तो वो भी एजेंडा ड्रिवन किसान है। जो किसान, उसका किसान वाला क्लेम तो खत्म नहीं होगा ना? नहीं नहीं, अरे लेकिन उसे लगते को सारा खेल इमेज। हमने ये क्यों मान लिया कि किसान किसी किसान का विचार नहीं हो सकता? नहीं, तो ठीक है, तो आप उसको प्रेजेंट करिए पॉलिटिकल किसान। अच्छा, जैसे मैं अगर कोई बोले ये फिल्म मेकर, जैसे अग्निहोत्री मात्र फिल्म मेकर नहीं, नहीं पॉलिटिकल फिल्म मेकर, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल गलती भी मत कर लीजिएगा मानने की कि मैं सिर्फ फिल्म मेकर हूं। मेरा एजेंडा है। अच्छा, मेरा एजेंडा वो आपको, आप पता करिए, मैं क्यों बताऊं अपना एजेंडा आपको? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? तो मेरा अपना पता करना है। नहीं, मेरा एजेंडा है अपना, मेरी अपनी एक पॉलिटिक्स है, और मैं शेमलेसली अनअपोलोजेटिकली उसके बारे में बात करता हूं। 90% जेएनयू स्टूडेंट्स से ब्रेक इंडिया, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट मस्ट लिसन टू देम। आप इतना नाराज क्यों हैं जेएनयू से? उसके 2-3 कारण हैं। जी प्लीज। एक तो मेरा पर्सनल कारण है। अच्छा, ओके, व्यक्तिगत कारण। क्या है पर्सनल? वो मुझे ऐसा लगता है आज भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है जी, वो है प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी जी। और आप इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी ड्रिवन और एफिशिएंसी ड्रिवन एक माहौल देता नहीं है। Why do you think so, Vivek? Because I have seen. Have you studied there? मैं IMC में था, तो मुझे एक
जनरल आइडिया है, मैं जानता हूँ। आईएमसी और जेएनयू में तो बहुत नहीं, बहुत फर्क है, लेकिन मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं, देखिए जानना चाहता हूँ वो राय कैसे बनी। हाँ, तो वो राय इसलिए बनी कि मुझे ऐसा लगता है उस इंस्टीट्यूट में, और मैं भी आज तक किसी से मिला नहीं हूँ जो जेएनयू से पढ़ के आया हो, जो कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की बात करता हो। जनरली हम लोग हर समय जो है एक कॉन्फ्लिक्ट की बात करते रहते हैं, हम हर समय लोगों को ये बताते रहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान में जाति, हमेशा उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों को ऑप्रेस करते हैं। हाँ करते हैं, इसमें कोई, ये सत्य है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन क्या हम ये देखना चाहते हैं कि यही है बस सत्य? दूसरा ये भी तो सत्य है कि हमने पिछले 70 सालों में इस दिशा में बहुत प्रोग्रेस की है। ये फंस गया सी है, राइट? पर मोदी जी तो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ये 5 साल में हुआ जो हुआ। मोदी जी क्या कहते हैं उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। अरे आपने कहा ना आप सपोर्ट करते हैं उनका, देखिए आप यहाँ बैठ के क्या कह रहे हैं और आप आम जीवन में क्या सोचते हैं, वो दोनों अलग चीजें हो सकती है। एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ऑफकोर्स इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ऐसा नहीं कि मीडिया का स्तर हमेशा खराब था। आप मुझे 4 या 5 ऐसे नाम बताइए जर्नलिज्म में जिनको आज भारत के यंग जर्नलिस्ट अपना आइकॉन और अपना इंस्पिरेशन मान सके। कोई ऑनेस्ट जर्नलिस्ट दिखते हैं आपको? कैन यू नेम फ्यू? मैं विश्वास करना चाहता हूँ आप हैं। तो रुको जरा, सबर करो। और मैं इतने, हाउ डू यू डिसाइड दैट? सर मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी आंखें समझती हैं बात को। अच्छा। मैं बॉडी लैंग्वेज और आदमी की आंखें देख के समझ सकता हूँ। यू सेड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद जेएनयू, व्हाट डू यू थिंक ऑफ निर्मला सीतारमण? खत्म। अब ये सवाल आपने मुझसे ऐसा पूछा, जो लोग हर समय ये बताते हैं कि भारत में ये गलत है गलत है, उनसे भी तो ये पूछा जा सकता है, राइट? जो इस कुर्सी पे बैठेगा वेग अग्नोत्री, उससे सवाल, हमारा काम है सवाल पूछना। जेएनयू से इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने अच्छे लोग वहां से निकले हैं जी, आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पार्टी बदल लिया। लेकिन जब आप एक जनरल बात करते हैं सोशल मीडिया में, जब आप एक ऑडियंस को एड्रेस करते हैं एक 240 वर्ड में, तो आप एक जो जनरल उसका इंप्रेशन, आप मेजॉरिटी की बात करते हैं। यू सेड 90% बॉलीवुड में, बताइए बॉलीवुड की फिल्मों की जब बात होती है तो हमेशा कहते हैं इनके अंदर कंटेंट नहीं होता है। क्या ये सत्य है? नहीं है। लेकिन ये जनरल सत्य है, पर नहीं, वो भी गलत नहीं है। जब आप जनरल बात करते हैं तो ये बात बोलना गलत भी नहीं है। 98% दैट्स अ वेरी स्वीपिंग रिमार्क। पर आप उसका तंज समझिए ना, उसका आप सरकैज़म समझिए, इतना भी तो ह्यूमर नहीं खत्म हो सकता है। तो सौरभ द्विवेदी जो लल्लन टॉप के संपादक हैं और आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, वो 2% में आएंगे या 98%? अभी मैं आपको इतना जाना नहीं हूँ। आई एम फ्रॉम जेएनयू। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे बहुत देर से शक हो रहा था। लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। अच्छा हाँ, कैसी होती है बॉडी लैंग्वेज जेएनयू वालों की? थोड़ी सी हर चीज को क्वेश्चन करने वाली, हर चीज को परखने वाली। का धर्म निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, संविधान की शपथ लो और सामने जो भी शक्ति का स्रोत बैठा हो उससे तथ्य सम्मत और पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ सवाल पूछो बिना किसी हिडन एजेंडा के। क्या बात है? काश ईश्वर करे ऐसा हो सबके साथ। जिस दिन ऐसा होगा मैं सच बात बता रहा हूँ कि मैं उनके पांव धो के पी लूंगा। और फिर आप ट्विटर पे लेबल करना बंद कर देंगे? ये लेबल तो देखिए छोड़िए, लेबल की बात, कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं है वो जो लेबलिंग की आप बात कर रहे हैं। ये विश्व ही ऐसा, हर कोई हर किसी को लेबल ही कर रहा है यहाँ पे, राइट? इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव। हम सब अपने ये नैरेटिव का वॉर चला रहा है लाखों साल से, और उसमें कोई गलत बात है भी नहीं, जिसका नैरेटिव विद्यमान रहेगा। और आप तो ओन भी करते हैं चीजों को, छिपा हुआ नहीं है आपका उसमें, क्या छुपा हुआ? मैंने तो खुल के जेएनयू में बोला था कि ब्राह्मणों को इतनी क्या गाली देते रहते हो हर समय तुम लोग, क्या इस देश में ब्राह्मणों से कोई फायदा नहीं हुआ इस देश का कभी? तो तुम सारे ब्राह्मणों को कैसे लेबल कर देते हो उठा के? वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। ब्राह्मणवाद कौन चलाता है? कौन चलाता है? ब्राह्मण ही तो चलाते हैं, और कौन चला? क्या ब्राह्मणवाद? एक दलित भी अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है, जैसे दलितों में श्रेष्ठ आपका मतलब मेरिट से जी, श्रेष्ठ से आपका मतलब मेरिट से? श्रेष्ठ से मेरा मतलब है कि वो एक खास जाति में जन्म लेने के कारण यदि आपने आपको ऊंचा, तो फिर ब्राह्मण के अलावा और कैसे कोई दूसरी जाति का आदमी अपने को श्रेष्ठ बता सकता है? सवर्ण बताते हैं, सारे सवर्ण बताते हैं। हाँ, दलितों में भी सब कास्ट है, जामिया तो उसको तो ब्राह्मण सवर्णवाद बोलना चाहिए ना, ब्राह्मणवाद क्यों बोलते हैं उसे? टर्म में क्वाइन किया गया क्योंकि शुरू से वहां चलता है, मैं जब बोलता हूं तो नहीं चलता। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। So facts don't matter then. Look, see, our imagery is different. You are wired differently, I am wired differently. But facts are facts, no? No, why? Who said facts are facts? इस साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है, लोग चुतिया बनते रहेंगे।